जय माता दी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। नवरात्र है, माता को हम तरह तरह से मना रहे हैं, सारी उपाय लगा रहे हैं कि माता रानी हमसे खुश हो जाए। कुछ ना कुछ हम करते रह रहे हैं दोस्तों। एक छोटा सा उपाय मैंने आपको कलश स्थापना के दौरान बताया था, और वो था सुपारी का उपाय। दोस्तों पान सुपारी खाना सबको पसंद होता है, इसी तरह से माता के वहाँ भी अगर सुपारी चढ़ाएं तो माता रानी भी बहुत खुश होती है। लेकिन ध्यान दे दोस्तों, पूजा की सुपारी अलग होती है और खाने की सुपारी अलग होती है। खाने वाली सुपारी थोड़ी बड़ी होती है और पूजा वाली थोड़ी छोटी होती है। सुपारी एक फल, एक तरह का फल होता है। ये उष्णकटिबंधी पेड़ होते हैं, जो पैसिफिक ओशन, अगर आपने सुना होगा प्रशांत महासागर, वहाँ के इलाकों में और साउथ ईस्ट एशिया में पाया जाता है। भारत में ये केरला साउथ इंडिया में और असम में पाया जाता है, और यहाँ से साबुत सुपारी नागपुर, इंदौर और ग्वालियर जैसे शहरों में पहुँचती है। तीनों, ये जो मैंने आपको बताए नागपुर, इंदौर और ग्वालियर, ये तीनों मंडियां सुपारी की मुख्य मंडी कहलाती है, और सुपारी की कीमत 180 से 190 रुपए किलो होती है, अगर आपको पता होगा तो। जो लोग पान सुपारी खाते हैं वो पान के पत्ते पे थोड़ा सा चूना लगाकर उसमें सुपारी उपाड़ी डाल के खाते हैं, और ज़्यादातर नशा ही माना जाता है पान सुपारी खाना। दोस्तों फिर भी सुपारी का अपने आप में एक बहुत ही मज़ेदार रोचक फ़ायदा है, और इससे हम टोने टोटके भी कर सकते हैं। दोस्तों टोने टोटके हम किसको बोलते हैं, इसलिए कोई ना कोई उपाय बताया गया है, और इन्हीं उपायों को हम टोने और टोटके का नाम देते हैं, जिससे हम किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं पर अपनी भलाई के लिए काम करते हैं। दोस्तों इन टोने टोटके में एक चीज़ जो काम की है और वो है सुपारी। जी हाँ, सुपारी से भी टोटके होते हैं दोस्तों। और विद्वान पंडितों के अनुसार सुपारी जब इंसानों को पसंद है तो देवी देवताओं को भी बहुत पसंद है, और इसके प्रयोग से चुटकियों में किसी भी समस्या का हल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात ये है कि दोस्तों सिर्फ 1 रुपये में आपकी सारी समस्या का हल हो जाता है। पूजा सुपारी की कीमत ज़्यादा भी नहीं होती, 1 रुपये में तो कभी कभी कोई कोई 2 सुपारी भी दे देते हैं। दोस्तों अगर आपका कई दिनों से कोई काम रुका हुआ पड़ा है, तो आपने नवरात्र में जो गणेश जी स्थापित किए हैं उसमें दोस्तों आपको थोड़ी सी मूली लपेटनी है। जो गणेश जी आपने स्थापित किए उसमें लपेटी होगी या तो आपने मूली, और नहीं स्थापित किए सुपारी के गणेश जी तो 1 सुपारी ले लें, उसको मोली पूरी अच्छे से उसमें चारों तरफ लपेट लें। अब उसको एक सिकोरे में या एक कटोरी में एक लौंग और सुपारी के साथ लौंग और इलायची के साथ एक कटोरी में रख दें। अब जब आप काम पे जा रहे हों तो उस लौंग को अपने मुंह में रख लें, लौंग इलायची को, और सुपारी को अपने पॉकेट में रख दें, या अगर आप लड़की हैं तो अपने पर्स में रख लें। और इस दौरान आपको मंत्र बोलते जाना है, जय गणेश काटो कलेश, इसका जप करते रहना है। क्या बोलना है, जय गणेश काटो कलेश, इसका जप करते रहें। घर आने पर सुपारी को वापस गणेश जी के सामने रख दें। अगर आपने सुपारी के गणेश जी नहीं बनाए नवरात्रि में, तो कोई गणेश जी की आपके पास फोटो होगी उनके सामने, और आप देखेंगे ये कितना करामाती उपाय है। दोस्तों एक सुपारी आपको बना सकती है करोड़पति। अगर आपके पास धन है तो आप हर सुख पा सकते हैं, और अगर इसकी कमी है तो हर तरफ परेशानी ही परेशानी है। इसलिए हर इंसान को इच्छा होती है कि उसकी तिजोरी हमेशा पैसों से भरी रहे, उसका घर हमेशा माला माल रहे, घर में सुख समृद्धि रहे। इसके लिए लोग कई तरह की पूजा रात दिन करते हैं, और कुछ लोग तंत्र मंत्र का भी सहारा लेते हैं, आपको सुपारी धनवान बना सकती है। दोस्तों एक सुपारी का खर्च 1 रुपया मैक्सिमम होता है, और इसके बदले घर में पैसों की बरसात हो सकती है। सुपारी का उल्लेख वेदों में सर्वप्रथम स्थान रखने वाले ऋग्वेद में मिलता है, जहां सुपारी को गणेश जी का स्वरूप मानकर पूजा जाता था। प्राचीन समय में लोगों के घरों में होने वाले हर शुभ कार्य में प्रायः सुपारी को गणेश जी और गाय के गोबर से बनी हुई गौरी की पूजा होती थी, और ये प्रथा आज भी विद्यमान है।
पुराणों की मान्यता के अनुसार लगभग सभी देवी देवताओं को सुपारी बहुत ही प्रिय होती है, खास करके गणेश जी और माँ लक्ष्मी माता को बहुत पसंद आती है। सुपारी धन लाभ और सौभाग्य की सूचक है। ऐसे में अगर एक मिट्टी के दिए में आप थोड़े से अक्षत भर लें, अक्षत यानी साबुत चावल भर लें, उन पर हल्दी से स्वस्तिक का तिलक बना दें और फिर उस पे मोली बांध के एक सुपारी रखकर भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें तो उस सुपा और फिर उस सुपारी को घर या व्यापार स्थल की तिजोरी में रख दें तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। शर्त ये है दोस्तों कि प्रतिदिन उस सुपारी को आपको गणेश जी की मूर्ति समझ के पूजन करना है। दोस्तों यज्ञ में अगर आप यज्ञ करें, जो माता का नवरात्रि में आप हवन कर रहे हैं माता रानी का, या आप और किसी दिन भी अगर हवन करें, उसमें आप सिद्ध सुपारी को, उसमें से अगर सिद्ध सुपारी ले करके तिजोरी में रखेंगे तो कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दूसरा उपाय बताती हूँ आपको, कारोबार में अगर उन्नति या वृद्धि चाहिए तो उसके लिए शनिवार की रात को एक सुपारी को एक सिक्के के साथ पीपल के पेड़ के नीचे रख दें। रविवार की सुबह पीपल का एक पत्ता तोड़कर तिजोरी में रख दें, सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी आपकी। दोस्तों अगर कई दिनों से कोई काम रुका पड़ा हो तो सुपारी के साथ एक लौंग ले लें और गणेश जी की पूजा कर लें। काम पर जाएं तो वो लौंग और सुपारी को अपने पास रख लें। जैसा मैंने बताया, लौंग और इलायची ये सिर्फ लौंग के साथ भी आप कर सकते हैं। और इस दौरान उसमें मैंने क्या बताया था, जय गणेश काटो कलेश, इसमें क्या बोलना है, श्री गणेशाय नमः, इसका भी आप जाप कर सकते हैं और वापस यथास्थान सुपारी को गणेश जी के सामने रख दें। पूजा में इस्तेमाल की गई सुपारी अपने आप में सिद्ध वस्तु मानी जाती है और इसे गौरी गणेश का रूप मानकर हम पूजा घर में रखते हैं। तिजोरी में अगर इसको आप रख के रखें दोस्तों तो ऐसा माना जाता है स्थाई लक्ष्मी का निवास होता है। दिवाली पर भी आपने पूजा की होगी सुपारी की, तो जो दिवाली की जो सुपारी अगर आपके पास है दोस्तों, तो पहले उसको चावल कुमकुम और लाल धागे से लपेट लें, फिर जहाँ पैसा रखते हैं तिजोरी में वहाँ इस सुपारी को रख दें। आपके घर में से पैसों की तंगी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाने वाली है और घर में अथाह धन आने लगेगा। दोस्तों एक से एक उपाय हैं सुपारी के, मैं बताऊं तो आप खुद आश्चर्यचकित हो जाएंगे। पूजा की सुपारी पूर्ण साबुत होती है और अखंडित होती है, इसलिए इसको जनेऊ भी चढ़ाया जाता है। बाद में इस पूजा की सुपारी को जनेऊ चढ़ा के भी आप तिजोरी में रख सकते हैं, यानी कि गणेश जी यानी बुद्धि के स्वामी उनका निवास होता है, और जहाँ बुद्धि के स्वामी का निवास होता है वहीं लक्ष्मी माता का निवास होता है। इसलिए अगर उनका निवास आपके घर में रहा दोस्तों, तो लक्ष्मी माता का भी आपके घर पे स्थायी निवास होएगा। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार अगर मान्यता है कि सुपारी की विधि विधान करके अगर आप पूजा कर लें तो ये चमत्कारी हो जाती है। सुबह स्नान करने के बाद घर के जो भी आपका मंदिर है देवालय में आपके, या फिर गणेश मंदिर में जाके मूर्ति के सामने एक पान का पत्ता ले लें, उस पे सिंदूर में घी मिलाकर या कुमकुम से रंगे हुए चावल से स्वस्तिक बनाएं। अब उस पर कलावा यानी लाल जो धागा होता है उसमें एक सुपारी को लपेट लें और उसको रखें। ये गणेश जी का स्वरूप ही मानी जाती है और इस सुपारी की पूजा अच्छे से करेंगे तो मंगल होगा। फिर ये सुपारी हमेशा अपने पॉकेट में रखें जब भी आप काम पे जाएं। जिस व्यक्ति के पास भी ये सिद्ध सुपारी होती है उसके पास, ऐसा माना जाता है, कभी भी पैसों की तंगी नहीं आती और हमेशा उसके पास धन का भंडार भरा होता है, पर्याप्त पैसा रहता है। दोस्तों देवी और देवताओं की कृपा हेतु कोई भी श्रेष्ठ मुहूर्त में, जैसे नवरात्रि में आप अष्टमी के दिन कर सकते हैं, कल कर सकते हैं ये उपाय, एक सुपारी और मंदिर जाके एक सुपारी और तांबे का लोटा रखाएं और इसके साथ ही
कुछ दक्षिणा भी रख दें, इससे माना जाता है कि देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। सारी आपकी मुश्किलें, विघ्न, जो भी आपके कार्य में बाधाएं आने वाली होती है, वो सब मिट जाते हैं। और अगर आप किसी विशेष कार्य से अगले दिन कहीं जाने वाले हैं तो वो भी सिद्ध होता है। अब जो मैं बताने जा रही हूँ बिल्कुल अचूक उपाय है दोस्तों, पुष्य नक्षत्र है रामनवमी। दोस्तों बहुत ही खूबसूरत नक्षत्र है। पुष्य नक्षत्र वाले दिन स्नान के बाद आपको एक गांठ हल्दी की पाल में बांध लें। हल्दी से रंगे हुए चावल ले लें, नारियल का एक छोटा गोला, नारियल पूजा का नारियल आता है, छोटे छोटे आते हैं, वो ले लें और एक सुपारी रख दें साथ। नवमी वाले दिन धूप दीप दिखाकर हल्दी में रंगा हुआ एक सिक्का रख दें। फिर इन चीज़ों की रोज पूजा घर में इसको स्थापित कर लें और रोज पूजा करने से माँ धन पाने के दे हैं। योग भी क्या दोस्तों, महायोग बन जाते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे मैंने आज आपको उपाय बताए हैं सुपारी के, माला माल करती है दोस्तों सुपारी। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम आज तक इग्नोर करते आए हैं। जब हम दिवाली पे पूजा की वो पूजन सामग्री की पैकेट लाते हैं तो दोस्तों जो लौंग, इलायची, सुपारी, गुलाल, अबीर निकलता है, वो हम ऐसे ही सोच के जो एक साथ लेके सब भगवान को, कमलगट्टे के बीज, ये सब हम क्या करते हैं भगवान को बस चढ़ा देते हैं इनका मीनिंग समझे बिना। दोस्तों अब एक एक चीज़ों का आपको महत्व बता रही हूँ, इसको महत्व समझिए और उसको ध्यान रख करके अच्छे से, कायदे से, करीने से चीज़ें गोटका बन के कैसे कमाल ढाती है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। किसी भी कोई भी क्वेश्चन हो प्लीज़ मुझे के नीचे लिख के पूछ लें। अभी थोड़े दिन नवरात्रि तक ईमेल्स पर ज़्यादा जो दोस्तों मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो रहा है जवाब देना, यहाँ पे पूछ ले कुछ अर्जो। और दोस्तों सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले और भी एक्साइटिंग वीडियोस से आप कनेक्टेड रहें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर करना ना भूलें। हमें नहीं पता एक वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, लव यू ऑल, टेक केयर, जय माता दी।